नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एमपीपीसी से संबंधित एक नए मटेरियल को दिखाने वाले हैं। ये वो नया मटेरियल है, ये अभी आज ही आया हुआ है ना, तो सोचे कि हम आपको इसके बारे में अवगत कराएं। दोस्तों, इस चैनल पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित या कोई अन्य चीज़ है तो उनसे संबंधित जो भी नए संसाधन आते हैं या आपके तैयारी से जुड़े हुए कोई नए अपडेट होते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी कुछ नया आएगा तो हम यहाँ से जब वीडियो बनाएंगे ना उसका अपडेट आपको मिल जाएगा और आप उसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम एमपीपीसी से संबंधित जो नए मटेरियल अरिहंत पब्लिकेशन से आए हुए हैं हम उन्हें दिखा रहे हैं। इनमें क्या है हम पहले आपको स्पष्ट कर देते हैं, ये 9 किताबों का सेट है। हालाँकि इसमें नंबरिंग गलत लिखी गई है, 10 तक लिखी गई है, लेकिन यह है 9 किताबों का सेट। दूसरी ये कि इसमें आपकी जो कंटेंट है वो हैंड रिटन में होता है। तीसरा ये कि इसका जो प्रारूप है इसमें स्टडी मटेरियल है और लास्ट में क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका भी सही है। हम इन्हें बारी बारी से देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी बुकलेट है, कंटेंट कैसा है और भी जो चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। आइए इसे देखना और जानना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है आपकी पहली बुकलेट। हम पहले आराम आराम से देखते हैं। ये है भारत का इतिहास और ये है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। हम इसे अभी साइड रखते हैं, पहले हम इसे देखते हैं। ये भारत का इतिहास, ठीक है। ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स हैंड रिटन नोट्स हैं। आइए हम अंदर से इसे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। आइए हम इसे पहले विषय सूची को देखते हैं। तो विषय सूची में अगर आप देखेंगे तो परिचय में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतवर्ष के बारे में बताया गया है। इसके बाद प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में, प्राचीन भारतीय राजनीति एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसके अलावा प्राचीन इतिहास की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर आपको दी गई हैं और इसी तरह से आगे चल करके ये मध्यकालीन इतिहास है और यहाँ से आधुनिक इतिहास को यानी आधुनिक भारत के इतिहास को यहाँ से दिखाया गया है। ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है। हम एक जो मेन कंटेंट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो परिचय वगैरह बताया गया है ये इससे आगे बढ़ के आगे देखते हैं। देखिए, इससे है भारतीय प्राचीन भारतीय साहित्य। तो प्राचीन भारतीय साहित्य को धार्मिक, लौकिक और विदेश यात्रा वृतांत के रूप में बांट दिया गया। अब यहाँ पे धार्मिक को भी दो भागों में बांट दिया गया, ब्राह्मण या वैदिक, अब्राह्मणत्व या अवैदिक साहित्य। इस तरह से लौकिक को भी बांट दिया गया और इसे आपको इस तरह से इसको लिखना स्टार्ट किया। जो लेखन शैली है वो बेहतर है, अच्छी है, आपको पसंद आएगी, पढ़ने में ठीक लगेगा। जैसे प्राचीन भारतीय साहित्य के अंतर्गत धार्मिक एवं लौकिक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल है प्राचीन भारतीय साहित्य के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, मतलब जो चीज़ें यहाँ पर बांटी गई हैं उनको पहले यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनको काल के हिसाब से, कालखंड के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रस्तुत करके दिखा दिया गया है। इसका प्रेजेंटेशन लाजवाब है, बहुत ही बेहतर है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं। आगे में देखिए इस तरह से चीज़ों को, जैसे यजुर्वेद है तो यजुर्वेद के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझा दिया गया, बता दिया गया। सामवेद के बारे में उसी तरह से आगे में आपको अथर्ववेद की भी जानकारी मिल जाएगी। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता दिया गया। आरण्यक ग्रंथ वगैरह, ये सब उपनिषद सब कुछ जो ब्राह्मण ग्रंथ के तहत आते हैं ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई। स्मृति ग्रंथ वगैरह, ठीक है ना। तो ये पूरा जो था ये साहित्य के बारे में था। इसके अलावा प्राचीन भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था। अब यहाँ पर आपको वहाँ की आगे के जो कंटेंट है उनको भी देख लीजिए थोड़ा। तो इस तरह से कंटेंट दिए गए हैं। तो ये आपकी हो गई भारत का इतिहास। मैंने इस बुकलेट को थोड़ा सा डिटेल से इसलिए दिखाया ताकि आपको आगे के कंटेंट की एक अनुमान लग जाए कि चीज़ें कैसे आपकी होंगी। अच्छा हाँ, थोड़ा सा पीछे में हम दिखा देते हैं जो हम प्रैक्टिस की बात कर रहे थे कि ये देखिए यहाँ पर आपका पूरा कंटेंट हो गया। तो अब यहाँ पर प्रैक्टिस राउंड स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया है देखिए। इस खंड में यूनिट 1 भारत का इतिहास अध्यवार अभ्यास प्रश्न सम्मिलित है। इस खंड में अभ्यास के लिए पिछले 10 वर्षों के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अंदर में आप देखें प्राचीन विश्वविद्यालय, ठीक है, प्राचीन भारतीय साहित्य,
प्राचीन भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था, प्राचीन बौद्ध धार्मिक दर्शन और इसमें से जो जुड़े हुए जो सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा गए हैं उनका भी विवरण दिया गया। जैसे 2024 में MPPCS में पूछा गया, ये 2015 के MPPCS के एग्जाम पूछा गया है, समझ गया ना, इनको भी यहाँ लेखांकित किया गया है। आगे बढ़ते भारत प्राचीन इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और ऐसे ही करके आपके कई सारे कंटेंट जो है ये प्राचीन इतिहास की मुख्य विशेषताएं, ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। मुख्य मध्यकालीन भारत की मुख्य विशेषताएं और आगे चल करके आपको आधुनिक भारत की भी मिलेंगी। ये रहा भारत की सांस्कृतिक विरासत, अब यहाँ से आपका आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट हुआ, यूरोपियों का आगमन वगैरह, अब भारत की प्रमुख क्रांतियाँ एवं आंदोलन, इस तरह से पूरे कांग्रेस का समकालीन आंदोलन, ये आपका बुकलेट नंबर एक हुआ भारत का इतिहास। इसमें कंटेंट हमने दिखाया और क्वेश्चंस वगैरह दिखाए। अब मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, कंटेंट कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपके इंडेक्स है, इसको अच्छे से आप देख लें, यहाँ भी इंडेक्स है, इन्हें भी अच्छे से देख लें, ठीक है। अब आगे के कंटेंट को आप समझें, यहाँ पर मैपिंग के थ्रू MPP मध्य प्रदेश को दिखा दिया गया। अब उससे जुड़े हुए आपको खंड अंदर में आपको मिल जाते पढ़ने के लिए, आप देखिए किस तरह से चीज़ों को अब बताया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई MPPCS की दूसरी बुकलेट। अब फिर से हम दो बुकलेट उठाते हैं, ये भारत का भूगोल, ये है मध्य प्रदेश का भूगोल। कंटेंट सबका ऐसा ही होगा, है ना, एक अनुमान आपको मैंने दिखा दिया डिटेल से ताकि आप समझ सकें कि कंटेंट किस प्रकार से है। देख लीजिए आप एक बार इंडेक्स को, अब आप अंदर से देखें, ठीक है। भारत अवस्थिति एवं विस्तार, ठीक है, भारत की अवस्थिति को दिखा दिया गया और यहाँ पर भारत के पूरे विस्तार को, और उसके बाद नीचे में इन चीज़ों को समझा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपके पूरे कंटेंट हैं, ये आपको मैपिंग के थ्रू अच्छे से बताया गया है। थोड़ा सा इनका ना प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बढ़िया है, तो इसे क्या होता है ना, क्लैरिटी आती है। प्रेजेंटेशन जब अच्छा होता है ना तो हमें क्लैरिटी आती है, जब क्लैरिटी आती है तो पढ़ने में ठीक लगता है क्योंकि चीज़ें समझ में आती हैं, कन्फ्यूज़न कम होता है। ये चीज़ें इसमें बखूबी की गई हैं, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। तस्वीरों का बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो इससे आपके लिए अच्छा होगा। और लास्ट में वही क्वेश्चन आंसर आपको, ठीक है ना। तो ये भारत का भूगोल और ये मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये अगली बुकलेट है, थोड़ा सा इसका इंडेक्स दिखा देते हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से देख सकें, ठीक है ना, ठीक है। ये भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था थी, ये संवैधानिक व्यवस्था है। इंडेक्स कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और अंदर में आप कंटेंट को थोड़ा सा देख लीजिए, तो कंटेंट आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये है विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए बात, लेकिन वही प्रीलिम्स भी इसमें लिखा गया स्पष्ट रूप से, ये आपका कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ये कंटेंट है और ये अंदर में आपका अंदर का कंटेंट देख लीजिए आप। ये इंडेक्स और कंटेंट दोनों दिखा दिया हमने आपको। ये सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसका भी इंडेक्स आप देख लीजिए और यहाँ पे भी इसका इंडेक्स देख लीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे से समझ सकें, देख सकें। और अंदर में ये आपका कंटेंट हुआ, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत एवं लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये आप देख लीजिए इंडेक्स को, ठीक है, यहाँ भी इंडेक्स को देख लीजिए। अब अंदर से हम लोग कंटेंट को थोड़ा सा देखते हैं, कंटेंट को आप देख लीजिए। दोस्तों ये राजेश बुक स्टोर है, यहाँ से ये मटेरियल तो मंगा ही सकते हैं, इसके अलावा कोई और भी मटेरियल लेना हो तो उसे भी आप घर बैठे मंगा सकते हैं। जैसे कोई स्टैंडर्ड बुक्स लेनी हो, NCERT लेनी हो, है ना, कोई भी मटेरियल लेना हो आप यहाँ से घर बैठे मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।